कौन? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेखा, अपने चैनल रेखा द स्मॉल वर्ल्ड में फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। तो अभी है संडे की सुबह सुबह और मैं निकाल रही हूँ जूस, और देखिए मुस्की मेरे साथ लगा हुआ बदमाशी कर रहा है। जूस के जो मैंने पॉट रखा उसमें पानी मिला रहा है कि जूस पसंद नहीं है। तो मैंने सबसे पहले निकाल लिया है अनार का जूस, और साथ में तैयारी कर रही हूँ भिंडी की भुजिया और सिंपल सी रोटी, क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत बढ़ गई है ना, तो नॉनवेज थोड़ा कम कर दिए हैं। नहीं तो ये लोग संडे को तो ज़रूर से ही नॉनवेज खाता है, लेकिन आज मैंने बोला कि नहीं भाई, नॉनवेज वगैरह अब थोड़ा कम करो, तो सब मान गया है। बस ठीक है, सिंपल सा भिंडी की भुजिया और रोटी खाएंगे, और साथ में खीरे का सलाद जो इन लोगों का फेवरेट है, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और जब जूस निकालने लगो ना तो बहुत लेंदी हो जाता है जूस को, मतलब ख़ास कर ये लोग अनार का जूस पीता है, संतरे का पीता नहीं है। तो मैं भी क्या लाई, तेज पत्ता, ब्रश, बिस्किट, एंड शोल्डर, जब भी मार्केट निकलो तो कुछ ना कुछ सामान घट ही जाता है, और ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा जरूर 3-4 दिनों में जब भी मैं निकल जाती हूँ, मतलब मार्केट क्या बगल में नीचे में ही है तो बस वहीं पे। और ये डब्बा है, मैंने सुन करके देखा, क्योंकि अगर बिस्किट के डब्बे में ना किसी और चीज़ को रख दो ना, जैसे कि कोई भी मिक्सचर वगैरह, तो उसका टेस्ट आ जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बिस्किट के डब्बे में सिर्फ बिस्किट रखूँ, मिक्सर के डब्बे में सिर्फ मिक्सर ही रखूँ, डब्बा चेंज ना हो। इसलिए मैं थोड़ा सा स्मेल कर रही थी कहीं मिक्सचर का डब्बा तो नहीं है, तो पता चला कि नहीं, मैं बिस्किट का ही है, तो वही मैं बिस्किट इसमें डाल दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो मेरा बहुत दिन पे आ रहा है, क्योंकि व्यूज़ वगैरह भी बहुत कम आने लगे हैं, तो मैंने वीडियो डालना कम कर दिया है। लेकिन हाँ, डालती रहती हूँ, मतलब वीक में 2 वीडियो तो आ ही जाता है। इधर तबीयत बहुत ख़राब रहने की वजह से थोड़ा सा वीडियो मैंने 1 वीक में ही डाला है। और ये मैं आटा गूंथ ले रही हूँ, मैंने भुजिया भी काट लिया है, तो जैसे ही मैंने कढ़ाई चढ़ाऊँगी, एक तरफ भिंडी की भुजिया बनती रहेगी और दूसरी तरफ मेरा आटा रोटी भी बनता रहेगा, तो साथ साथ में दोनों काम हो जाएगा। इसलिए मैं आटा गूंथ ले रही हूँ और भिंडी की भुजिया तो मैंने काट ही ली है, मैंने पहले ही बताया। तो बस काम चल रहा है मेरा सुबह का, बहुत ही आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। अगर आप सारा काम टाइम से करते हैं, सारा सुबह से समय से उठते हैं, सारा नहाना धोना पूजा पाठ सब समय से हो जाता है ना, तो सारा काम में कोई हड़बड़ी नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर कोई मेहमान बीच में आ जाए या कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाए जो प्लान में नहीं है, तब जो है वो हड़बड़ी हो जाती है। जब मैं रोटी बना रही हूँ, इधर भुजिया चढ़ी हुई है, मैंने भुजिया में सिंपल सा मस्टर्ड ऑयल डाला है, फिर डाला इसमें हरी मिर्च और जीरा का फ़ोरन, और भुजिया डाल दिया है। भुजिया को 6-7 मिनट फ्राई किया है, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक, हल्दी और काली मिर्च, तब मैंने डाला है इसमें कटे हुए स्लाइस के प्याज, और फिर उसको 3-4 मिनट फ्राई करना है। इस तरह से आप भुजिया बनाए भिंडी की, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही सिंपल तरीका है। मतलब मैं तो अपने घर में ऐसे ही बनाती हूँ। बच्चे अगर प्याज ना भी खाए ना, तो प्याज की जो मतलब टेस्ट आता है ना भिंडी में, वो उसका टेस्ट डबल कर देता है। तो एक बार जरूर ट्राई करें, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, और आशा करती हूँ अगर आप बनाएंगे तो आपके घर में भी सबको जरूर अच्छा लगेगा। और बस बच्चों ने मंगवा लिया था ये थोड़ा सा मलाई कोफ्ता, तो मैंने मलाई कोफ्ता, भिंडी की भुजिया और रोटी जो है वो सर्व कर दिए, क्योंकि वो जिसका फेवरेट है मलाई कोफ्ता, हफ्ते में या 10 दिन में एक बार मलाई कोफ्ता वो मंगा के ही रहता है। और सही में मैंने पूरे इंडिया में मलाई कोफ्ता ट्राई किया है, शिमला में, चंडीगढ़ में, दार्जिलिंग में, और मैंने केरल में, कहीं भी मुझे ऐसा मलाई कोफ्ता पसंद अभी तक तो नहीं मिला जो कि मुझे बोकारो में मिल जाता है। और ये दूसरे दिन मॉर्निंग का है, रात में गई थी थोड़ा सा सब्जी लाने, तो मैंने ले आया था, इसको हम लोग बोलते हैं गेंदाड़ी साग, वो लाई थी थोड़ा सा, बबलू जी हैं तो साथ में हम लोग खा लेंगे, क्योंकि बच्चे तो साग नहीं खाते हैं,
बस वही गेंदारी साग को मैं धो ले रही हूँ, इसको बना लूँगी। लेकिन रात में ना बाहर छूट गया था इसलिए साग ना थोड़ा सा सूख गया है, पता नहीं अच्छा लगेगा अभी कि नहीं, वही मैं देख रही थी। अभी तो मैं आटा गूँथ ले रही हूँ, गर्मियों में मैं आटा गूँथ के ना रखती नहीं हूँ। ये चावल मैं फिर चावल भी लाई थी तो वो भी मैं पलट ले रही हूँ। पुराने चावल को थोड़ा सा बचा हुआ है ना उसको अलग डब्बे में कर ले रही हूँ, और जो चावल लाई हूँ अलग से मैं इसमें रख रही हूँ। मैं मतलब 5 kg चावल लाती हूँ, उसी में मेरा जितना चलता है फिर लाती हूँ, ज़्यादा ला के स्टोर नहीं करती हूँ। तो ये बस मैंने डाल दिया है इसमें पंचफोरन और लाल मिर्च, और हस्बैंड रहते हैं तो वो जस्ट कोई पसंद है, तो मैंने बना रही हूँ सहजन आलू की सब्ज़ी। और मसाले मैंने लिया लाल मिर्च, सरसों, लहसुन, अदरक और काली मिर्च, बस इसके सिवा इसमें कोई मसाला नहीं पड़ता। बहुत फटाफट से मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और मैंने डाल दिया थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी, नमक और वो मसाले। इसको अच्छे से फ्राई करना है, और जब मसाले थोड़े से मतलब 4-5 मिनट फ्राई करिए और हल्के से जब पक जाए तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। एक टमाटर मैंने बड़े साइज़ का डाला है, खट्टा खट्टा अच्छा लगता है इसमें। और बस मसाला जब फ्राई हो जाए, टमाटर जब फ्राई हो डाल देना पानी, और देखना जब भी पक जाए आप इसको जिस तरह का रस रखना चाहते हैं उस तरह के रस रखें और इस सब्ज़ी को खाएं। बहुत टेस्टी है, आप जानते हैं इसको सुपर फूड कहते हैं। और आज भी हम लोगों ने मंगा लिया था, ये रात का है तो मतलब मैंने मंगा लिया था इसमें, वो जो मुस्की का फेवरेट है ये मंचूरियन, क्योंकि मुस्की कल वो जिस मलाई कोफ्ता मंगाया था जो मुस्की नहीं खाता है, इसलिए मुस्की ने अपने पसंद की मंगाई है मंचूरियन। तो बस दोनों भाई का ये सब चलता रहता है। और मैंने सब्जी को बना करके खाने के बाद जो भी बचा है उसको मैंने अलग से पलट दिया है। देखते हैं ये सुबह तक चल जाए तो शायद बबलू जी को मैं सुबह दे दूँगी, क्योंकि उनको बहुत पसंद है, सुबह सुबह तो बन नहीं पाएगा, उनको सुबह निकलना भी है। तो बस उसके बाद मैंने किचन की कर रही हूँ सफाई, क्योंकि इतना सफाई ना करो ना तो कॉकरोच वगैरह आने का बहुत डर रहता है। तो रात में बस मैं सारा सामान वगैरह साफ़ करके सिंक में डाल देती हूँ, फिर भी कॉकरोच आ गए, क्योंकि सिंक भी साफ़ रहना चाहिए। लेकिन आजकल के मेड के ज़माने में ना सिंक साफ़ रहना बहुत मुश्किल है, या फिर जिनके पास मतलब अलग से कोई जगह हो बर्तन धोने की बाहर में, जो अपना बंगलो वगैरह है, तब सही है। और मैं बबलू जी तो चले गए हैं तो मैं बना रही हूँ अभी, मैं सोची थी उनके सामने ही बना पाऊँगी पर टाइम नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, तो मैं अभी बना ले रही हूँ पिड़किया। तो मैंने पिड़किया का जो भरावन होता है ना वो मैं बना ली हूँ, और ये मैंने आटा गूँथ के बस इसको फटाफट से बेल के इसको भर ले रही हूँ ताकि जल्दी से मैं इसको तल सकूँ। लेकिन क्या करूँ, मतलब जिसके लिए बना रही थी वो है ही नहीं, अब देखते हैं। एक हफ्ता तो मैं रखती नहीं हूँ ज़्यादा सामान, फिर आएंगे तो बना दूँगी, क्योंकि ये मैंने बना लिया था। और पिड़किया तो मैं बनाती रहती हूँ, और सचमुच मतलब फ्रेश बनाओ ना तो बहुत टेस्टी भी बन जाता है, और रियली में बहुत टेस्टी बना था। बस इसको भरने के बाद धीमी आँच पर इसको दोनों तरफ से अलट पलट करके तलना। अगर आँच तेज रहेगा ना तो ये बाद में जा करके ये मतलब मुलायम हो जाता है। इसमें दो चीज़ का ध्यान रखना है, जो इसका भरावन है, जो फीलिंग्स है ना, इसको फीलिंग जो है ना वो एकदम मतलब भुरभुरा होना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा ना उसमें, तब भी वो ये जो पिड़किया है ये बाद में मतलब लूज़ हो जाता है, सॉगी हो जाता है। तो इसका भरावन जो है वो बिल्कुल पाउडर मोड में रखिए, और इसको हल्के आँच पर तलिए, तब ये इसका जो टेस्ट है वो अच्छा रहेगा, और 4-5-6-10-7-8-10 दिनों तक भी ये मुलायम नहीं होगा, जैसे मार्केट में रहता है ना वैसे ही रहेगा। तो बस यही टिप है इसका, अब बनाएं खाएं। आप तो बिहारी मतलब फेवरेट है बिहार में, ये हर पर्व में ये बनना ही बनना है। और अब मैं वीडियो समाप्त करने जा रही हूँ, तो बस लास्ट में मैं दिखा रही हूँ कि मैंने इस हफ्ते ऑनलाइन क्या क्या मंगवाया था। वे मंगवाया था मैंने क्लियो कंपनी का एक स्लिंग बैग, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल ये ट्रेंड में जो बेल्ट टाइप का जो चला हुआ है इसका, वो भी मैंने इसमें था, और ब्रांड भी बहुत अच्छा था। इसका प्राइस जो था वो 1900 था, लेकिन मुझे 1203 रुपीज़ में मिला था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे मतलब चेन वगैरह की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और बहुत मतलब लुक्स वाइज भी बहुत अच्छा था, और साइज़ भी बहुत अच्छा लग रहा था, जिसमें आप मोबाइल अच्छे से पर्स कार्ड वगैरह सब रख सकते हैं। कंपार्टमेंट इसमें दो ही बने हुए थे, देखिए इस तरह से इसका जो स्ट्रिप था बहुत अच्छा था, और मैंने मंगवाई थी एक ट्रेंडी चप्पल। तो थैंक्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।